एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो तो तुम्हें मैं एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर तुम बाजार चले जाना, और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम उसको कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगलियां उठा देना। लड़का बाजार चला जाता है, वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह उस लड़के से उस पत्थर को देखती है और उसकी कीमत पूछती है, ये पत्थर कितने का है। वह लड़का अपनी दो उंगलियां उठा देता है। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, क्या 200 रुपये? ठीक है, इसे मुझे दे दो। वो लड़का हैरान हो गया कि एक मामूली से पत्थर के 200 रुपये। वो लड़का तेजी से भागते हुए अपने पापा के पास चला जाता है और कहता है कि पापा, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली और वह इस पत्थर के मुझे 200 रुपये दे रही थी। उसके पापा ये सब जानते थे। ये तो कुछ नहीं बेटा, अभी तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चले जाओ, और वहाँ अगर इसकी कोई कीमत पूछे तो तुम बस कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगलियाँ उठा देना। वो लड़का वह पत्थर लेकर म्यूजियम में चला जाता है। तभी वहाँ पर एक इंसान मिलता है और वह उस लड़के से उस पत्थर की कीमत पूछता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, बताओ तुम्हें इस पत्थर के कितने रुपये चाहिए। वो लड़का कुछ नहीं कहता, फिर वही अपनी दो उंगलियाँ उठा देता है। तभी वह इंसान कहता है, क्या 20,000 रुपये? ठीक है, इसे मुझे दे दो। वो लड़का हैरान हो गया कि 20,000 रुपये एक इस पत्थर के। वह भागा भागा अपने पापा के पास आता है और कहता है कि पापा, आपने जैसे कहा मैंने वैसा किया, आपने कहा मुझे इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाना है और अगर कोई पूछे तो इसकी कीमत नहीं बताना, बस उसकी दो उंगलियाँ उठा देना है, मैंने ऐसे ही कहा। वह इंसान मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार था। तभी पापा फिर से कहते हैं कि अभी भी नहीं, तुम्हें इस पत्थर की असली कीमत जानना है तो तुम इस पत्थर को लेकर कीमती पत्थर की दुकान पर चले जाओ। उनका लड़का ऐसा ही करता है, वह ठीक उसी पत्थर को ले जाकर कीमती पत्थर की दुकान पर चला जाता है। तो वहाँ पर दुकान का मालिक दुकान पर आता है और उस पत्थर को देखता है और वह हैरान हो जाता है। वह उस बच्चे के पास आता है और कहता है कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो बहुत कीमती है, बताओ तुम्हें इसके कितने पैसे चाहिए, मैं सब पैसे देने को तैयार हूँ। वह लड़का चुप होता है और फिर से अपनी दो उंगलियाँ उठा देता है। वह इंसान कहता है कि क्या 20 लाख रुपये? ठीक है, इसे मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उस पत्थर के उसे 20 लाख रुपये मिल रहे थे। वह भागा भागा फिर से अपने पापा के पास आता है और पापा से कहता है कि पापा, मुझे इस पत्थर के वो इंसान 20 लाख रुपये देने को तैयार था। अब पापा कहते हैं कि शायद अब तुम सब चुके हो कि तुम्हारी जिंदगी की क्या कीमत है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। अब लाइफ में अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 200 रुपये वाला पत्थर बनना है या 20 लाख रुपये वाला पत्थर। ये जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है, बदल आपको ही है। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। आप कुछ लोगों के लिए आप अनमोल हो और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी हो जिनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। तो जिंदगी आपकी है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से वाला पत्थर मिलना है।